विधानसभा चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी अब तैयारियों में जुटे हुए हैं और डोर टू डोर कैंपेन भी लगातार कर रहे हैं। और इस बार पिरान कलियर विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। दरअसल आम आदमी पार्टी की एंट्री ने ये मुकाबला बेहद दिलचस्प बना दिया है। बताते चले कि पिरान कलियर से कांग्रेस से प्रत्याशी हाजी फुरकान अहमद, जबकि बीजेपी से मनीष सैनी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वही बात की जाए आम आदमी प्रत्याशी की तो शादाब आलम यहां से चुनाव लड़ रही हैं। तीनों प्रत्याशी पिरान कलियर विधानसभा में घर घर जाकर अपने लिए लोगों से वोट की अपील कर रही हैं। हाजी फुरकान अहमद जी ने काम किए हैं 5 सालों में, क्या क्या विकास कार्य जो हैं वो किए गए हैं, हमारे साथ खुद विधायक जी मौजूद हैं। सर ये बताइए कि किस तरीके से जो है देख रहे हैं कैंपेनिंग किस तरीके से चल रही है, क्योंकि डोर टू डोर कैंपेन जो है वो किया जा रहा है। लगभग आपने सभी पिरान कलियर के लगभग सभी जगहों पर आप घूम चुके हैं, क्या स्थिति अभी देख रहे हैं आप? स्थिति तो साफ है, क्योंकि हमें कोविड का भी ध्यान रखना है कि जो भारत सरकार की, जो हमारी प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन है उसका भी हमें पालन करना, इसलिए हम छोटी छोटी मीटिंग करके अपनी जनता के बीच में, क्योंकि जिस तरह मैंने 10 साल इस क्षेत्र की सेवा की, बड़े बड़े काम किए, चाहे कॉलेज का मामला हो, चाहे बाईपास का हो, चाहे पुल का हो, चाहे सड़कों का जाल बिछाना हो, चाहे हमने मंदिर मस्जिद में भी काम किया, एक तरफ हमने मुरत घाट में किया तो कब्रिस्तानों में भी काम किया, हमने जिस तरह मेरी जनता ने, पिरान कलियर की जनता ने मुझे 2 बार जात बिरादरी से ऊपर उठकर मेरा सहयोग किया था, तरह हमने हर वर्ग में काम किया। हमारी विधानसभा में 44 गांव पड़ते, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां हमने विकास ना किया हो। आज विकास के बलबूते भी आज हमारी जनता का हमें प्यार मिल रहा है। तीसरी बार जनता ने मन बना चुका है कि इस बार हम पहले से भी ज़्यादा भारी मतों से जिताकर आपको भेजेंगे, ये मुझे विश्वास भी है, क्योंकि जिस तरह मैंने सेवा की आज सेवा का फल देने के लिए मेरी जनता तैयार है। अच्छा ये बताइए कि जब विधानसभा जब सत्र होता था तो आप कई बार, हमने देखा कि गन्ना किसानों के लेकर जो है आपने कई बार जो है हंगामा करते हुए दिखाई दिए, कई बार आपने धरने भी दिए, क्या लगता है गन्ना किसानों के बिल को लेकर जो है सरकार ने काम नहीं किया, क्योंकि सरकार कह रही है कि हमने जो है गन्ना किसानों का भुगतान जो है वो कर दिया है, क्या कुछ इस तरीके के मुद्दे अभी भी जो है जनता के बीच रह रहे? आप खुद कह रहे हैं कि हम, क्योंकि हमारे यहाँ मेन फसल जो होती है गन्ने की होती है, एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हमने गन्ने का पेमेंट नहीं कर दिया, तो 3 साल का आज से 3 साल पुराना इकबालपुर गन्ने का लोगों पर पेमेंट है वो सरकार नहीं दिला रही, और पिछले साल का भी बकाया है आगे, और रेट 5 साल तक कोई रेट नहीं बढ़ाया, अब चुनाव के वक्त में थोड़ा जरूर अब बढ़ाया, मानो बात तो करने डबल इंजन की सरकार किसानों के दुगने करने की बात थी, अब थोड़ा बहुत रेट बढ़ाया, उससे फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि किसान आज बहुत परेशान है। आज किसान हताश हो चुका है कि जो हमारी फसलों का वाजिब दाम नहीं मिल रहा, इसलिए महंगाई बढ़ चुकी है, तो इसलिए आज जनता परेशान है, हमारे किसान भाई, मजदूर भाई, सब वर्ग परेशान है। आज जनता ने बिल्कुल तय कर लिया है कि हमें यहाँ पर कांग्रेस को ही जिताना है, कांग्रेस की सरकार लानी है। यहाँ के लोगों का भी मत है कि इस बार जिस प्रकार से जो विकास जो किया गया है तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए अभी 10 मार्च का इंतजार करना होगा कि आखिर पिरान कलियर किसकी झोली में जाता है, कौन यहाँ से जीत कर विधानसभा पहुँचता है। अपने सहयोगी संदीप नेगी के साथ मैं उपेंद्र सिंह राणा, नेटवर्क 10, पिरान कलियर।